आज हमें पढ़ना है NIS क्लास 12th इंग्लिश 302 का चैप्टर नंबर 20 रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। ऑब्जेक्टिव क्या देखते हैं, अंडरस्टैंड शॉर्ट थीम बेस्ड पैसेज, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 19 में पढ़ा था सेम वैसे ही। सेक्शन 1, रीडिंग द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, करके पैसेज को पढ़ो और इसके साथ जो आंसर है उसको, मतलब जो क्वेश्चन उसका आंसर दें। स्टार्ट करते हैं। इलेवन ईयर ओल्ड मोहम्मद रियाज अहमद लाफ्स अ लॉट, प्लेज वीडियो गेम्स एंड अटेंड्स ट्यूशन एट होम टू रिज्यूम हिज स्टडीज इन किस क्लास में, थर्ड क्लास इन प्राथमिक विद्यालय ऑफ अमीनाबाद लखनऊ। कह रहे हैं 11 साल का मोहम्मद रियाज अहमद बहुत हंसता है, वीडियो गेम खेलता है और कक्षा में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए घर पर ट्यूशन पढ़ता है। थर्ड अमीनाबाद लखनऊ के प्राथमिक विद्यालय में है। आगे पढ़ते हैं। बट अ ईयर अगो, लेकिन एक साल पहले, द सिचुएशन वॉज डिफरेंट, सिचुएशन जो है अलग था, हालात अलग थे। क्या अलग थे देखते हैं। रियाज हु हैज बीन अवार्डेड द संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड वॉज इन हॉस्पिटल फॉर मोर देन 3 मंथ्स। कह रहे हैं कि लेकिन एक साल पहले स्थित बात अलग थी, है ना। संजय चोपड़ा वीरता पुरस्कार से सम्मानित रियाज 3 महीने से अधिक समय से अस्पताल में थे, किस लिए थे। आगे पढ़ते हैं। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लिम्स, मतलब क्या है, आगे पढ़ते हैं। वन आर्म एंड रिस्ट ऑफ द अदर आर्म वाइल सेविंग अ 4-year-old गर्ल साजिया हु वॉज स्टैंडिंग ऑन द रेलवे ट्रैक एट डालीगॉन ब्रिज लखनऊ, कंप्लीटली ऑब्वियस टू अ फास्ट अप्रोचिंग ट्रेन। कह रहे हैं लखनऊ के डालीगांव ब्रिज पर रेलवे ट्रैक पर खड़ी 4 साल की बच्ची साजिया को तेजी से आ रही ट्रेन से पूरी तरह से बेखबर जो थी उसको बचाने के दौरान इन्होंने, मतलब रियाज ने, अपना एक अंग, हाथ और दूसरे हाथ की कलाई खो दी। इट हैपेंड ऑन जनवरी 16, 2003, यह 16 जनवरी 2003 को हुआ। रियाज हियर्ड द ट्रेन whistles, he warned the girl's father to remove her from the track, but he, being hard of hearing and mentally challenged, did not pay heed to Riyaz's warning. कह रहे हैं कि रियाज ने ट्रेन की सीटी जब सुनी तो उसने लड़की के पिता को ट्रैक से हटने की चेतावनी दी, लेकिन है ना, उन्होंने सुनने में, मतलब जो उनके सुनने में प्रॉब्लम थी, मानसिक जो बीमारी थी, उसकी वजह से रियाज की बातों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है। सीइंग द ट्रेन ऑलमोस्ट अपॉन हर, रियाज रश्ड टू पुल हर बैक, ट्रेन जो लगभग अपने ऊपर देख रियाज उसे वापस खींचने के लिए दौड़ा। ही डिड बट फेल होल्डिंग द गर्ल्स एज हिज लेग गॉट स्टक बिटवीन द लाइंस एंड ऑल्सो बिकॉज बींग अ फ्रेल 10 ईयर्स ओल्ड ही कुड नॉट बियर हर वेट। कह रहे हैं कि ट्रेन को लगभग अपने ऊपर देख रियाज से वापस खींचने के लिए दौड़े उन्होंने क्या किया कि लेकिन उन्होंने ऐसा किया हटाने के लिए, लेकिन लड़की को पकड़ कर गिर गए क्योंकि उसका पैर लाइन के बीच फंस गया था, पटरी जो होती है उसमें फंस गया, और इसलिए कि 10 साल का कमज़ोर होने के कारण उनका वजन जो है साजिया का उठा नहीं पाया। अब उठाता तो आराम से चल, है ना, हल्का था, कमज़ोर था। गर्ल ऑल्सो लॉस्ट वन ऑफ हर लिम्स एंड द ट्रेन रन ओवर देम एंड आई विटनेस शकील अहमद ऑफ गोरखपुर रश्ड देम टू किंग जॉर्ज हॉस्पिटल इन लखनऊ। रियाज वाउंड हैव स्टिल नॉट हील्ड प्रॉपरली बट हिज स्पिरिट्स आर हाई। ये कह रहे हैं कि ट्रेन के उनके ऊपर से गुजरने के दौरान लड़की का एक अंग भी टूट गया। गोरखपुर के प्रत्यक्ष, मतलब वहाँ पर जो उन्होंने देखा था, इनका नाम क्या था, शकील अहमद, उन्होंने लखनऊ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल पहुँचाया दोनों को। रियाज के घाव अभी भी ठीक से भरे नहीं है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। ही सेज ही वॉन्ट्स टू रिज्यूम हिज स्टडीज, वह कहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहते हैं। एम्स टू बिकम अ डॉक्टर एंड लव्स टू ईट मीट एंड फिश एंड टू प्ले फुटबॉल। He shows his engineering skills with electronic items at home. वह फिर से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, मांस मछली खाना फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। वह घर पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ खेलकर इंजीनियरिंग कौशल दिखाते हैं, मतलब उनका दिमाग तेज ऐसा शो करते हैं। इंटरेस्ट क्वेश्चन 20.1, पहला क्वेश्चन है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। दिस पैसेज अबाउट संजय चोपड़ा,
ये जो पैसेज है संजय चोपड़ा के बारे में है तो फॉल्स है, आपको बताना है करेक्ट बताना है फॉल्स स्टेटमेंट, तो उसको आपको करेक्ट भी करना है तो करेक्ट करते हैं। द पैसेज इज अबाउट ब्रेवरी बॉय हु हैज अवार्डेड द संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड, ये उस बच्चे के लिए है जिसको ये अवार्ड मिला था। साजियाज फादर वॉज बॉथ डीफ एंड मेंटली चैलेंज, बिल्कुल सही बात है। रियाज फेल बिकॉज ही कुड नॉट कैरी साजिया, बिल्कुल ये भी बात सही है क्योंकि उसके पैर में फंस गए थे। रियाज एंड साजिया वर ट्रीटेड इन किंग जॉर्ज हॉस्पिटल लखनऊ, हाँ जी कौन लेकर गया था, शकील जी लेकर गए थे। सेकेंड क्वेश्चन, एवरी ईयर ऑन द रिपब्लिक डे वी रिपब्लिक डे गैलेंट्री अवार्ड्स आर गिवन टू ब्रेव चिल्ड्रेन, हर रिपब्लिक डे को गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है बच्चों को जो बहादुर बच्चे होते हैं। द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर हैज़ इंस्टीट्यूटेड दीज अवार्ड्स, कह रहे हैं कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर है वो इस अवार्ड को देता है, स्थापना की है उन्होंने तो वो देते भी हैं। वन ऑफ दीज ब्रेव चिल्ड्रेन इज फर्दर नॉमिनेट फॉर द संजीव चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड, उसी तरह से एक बच्चा यहाँ पर जिसका नाम था अभी हमने पढ़ा उसको भी संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड से नॉमिनेट किया गया था। आंसर द क्वेश्चन बिलो, लर्न अ लिटिल मोर अबाउट द अवार्ड स्पोकन अबाउट इन द पैसेज, तो पैसेज में यह भी बताया गया कि विजेताओं के बारे में कुछ और जानने के लिए प्रश्न, तो यहाँ पर रियाज कौन सा है, है ना, मतलब हु इज रियाज, व्हाट डज ही डू, वह क्या करते हैं, तो मोहम्मद रियाज अहमद क्लास थर्ड और अमीनाबाद लखनऊ में पढ़ते हैं, वह स्टूडेंट हैं। आगे चलते हैं, हु इज शाजिया, साजिया कौन थी, 4 साल की लड़की थी 16 जनवरी 2003 को वहाँ पर खड़ी थी रेलवे ट्रैक पर, ठीक है, कहाँ पर, डालीगांव ब्रिज लखनऊ पर। नेक्स्ट आपका है, वाई वॉज साजिया फादर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू रियाज वार्निंग, तो रियाज वार्निंग क्यों नहीं सुन पाए, क्योंकि वो मेंटली चैलेंज थे और डीफ थे। साजिया डेंजर में क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि ट्रेन वहाँ पर आ रही थी बहुत तेज़ी से ना, और उनके पापा जो है फिजिकली चैलेंज थे, उसको सुन नहीं पाए, किसकी बात नहीं सुन पाए, पहले तो जो ट्रेन की विसल थी वो नहीं सुन पाए, दूसरी जो रियाज वार्निंग दे रहे थे उनकी बात नहीं सुन पाए। नेक्स्ट है, हाउ डिड रियाज सेव साजिया, साजिया की जो ज़िंदगी है वो रियाज ने कैसे बचाई, व्हाट डिड ही लॉस इन इस परपज में, इस प्रोसेस में उन्होंने क्या लॉस किया, तो राजिया रियाज ने साजिया की ज़िंदगी बचाई बाय पुलिंग हर बैक फ्रॉम द रेलवे ट्रैक जस्ट बिफोर द ट्रेन कुड रीच हर, रियाज लॉस्ट अ लेग एंड बॉथ हिज आर्म्स, तो रियाज ने ट्रेन के पहुँचने से ठीक पहले साजिया को रेलवे ट्रैक से पीछे खींच कर बचाया। रियाज ने एक पैर और अपने दोनों हाथ गंवा दिए। नेक्स्ट आपका, हु इज शकील अहमद, डिड ही प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। अब शकील अहमद कौन थे, आई विटनेस थे, ठीक है चलो, क्योंकि वो हॉस्पिटल लेकर गए थे ना। देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द पैसेज, 4 कैरेक्टर हैं, रियाज, साजिया, साजिया फादर, शकील अहमद, ठीक है। कैन आई पिक आउट द वर्ड्स एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्स गिवन टू डिस्क्राइब ईच ऑफ देम, यहाँ पर वर्ड दिए हैं आपको डिस्क्राइब करना है, है ना, क्या डिस्क्राइब करना है देखते हैं। रियाज अहमद फ्रेल अलर्ट चेयरफुल ब्रेव लाइक फुटबॉल नॉन वेजिटेरियन फूड शोज इंजीनियरिंग स्किल्स, तो ये वर्ड्स जो है बॉक्स में वो डिस्क्राइब करते हैं इनके बारे में, ठीक है। रियाज अहमद के बारे में ये सारे वर्ड डिस्क्राइब किए गए हैं, फ्रेल अलर्ट चेयरफुल, फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, चेयरफुल अलर्ट, ये सारी हिंदी मैंने यहाँ लिख रखी है, बाकी आप समझते ही होंगे। आगे चलते हैं, साजिया फ्रेल मतलब कमज़ोर है, साजिया फादर डीफ हैं, साजिया अहमद क्या, सॉरी शकील अहमद कौन है, काइंड है, कंसिडरेट है, अलर्ट है, हेल्पफुल है, इनका नेचर ऐसा है। सेक्शन 2 देखते हैं, हैव यू रीड अ बुक कॉल्ड इंडियाज यंग हीरोज, इट इज़ अबाउट चिल्ड्रेन हु हैव वॉन द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स इन अर्लियर ईयर्स, कह रहे हैं कि आपने इंडियन यंग हीरोज नामक किताब पढ़ी है, यह उन बच्चों के बारे में है जिन्होंने पहले के वर्षों में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जीते हैं। पहला इसमें इसके बाद क्या कह रहे हैं, गिवन बिलो आर बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ 6 सच चिल्ड्रन मार्क्स ए टू एफ, इसी तरह 6 बच्चों के दिए गए हैं नाम कि जिन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, ठीक है, बायोग्राफिकल स्केच दिए हुए हैं। इसमें उसके बाद लिखा हुआ है विच स्केच डज ईच सेंटेंसेस 1 to 10 डिस्क्राइब, फिर कह रहे हैं कि फॉर ईच सेंटेंस चूज 1 लेटर ए टू एफ, अभी हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। पहला क्या यहाँ पर है, सयाल लोनू भाई भोया, सयाल लनू भाई भोया का जन्म जो हुआ था 1 जून 1967 गुजरात में हुआ था, स्टडीड एट प्राथमिक शाला, प्राथमिक पाठशाला में पढ़ते थे ये, शी स्पीक गुजराती, इस गुजराती बोल सकते थे हैं, शी हैज़
अच्छा शी है मतलब फीमेल है। शी हैज़ टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, दो भाई और एक बहन है। हर फादर इज़ अ लेबरर, उनके पिताजी जो है लेबर है। हर हॉबीज़ इंक्लूड म्यूजिक रीडिंग एंड स्पोर्ट्स, उनकी जो हॉबी थी वो थी म्यूजिक रीडिंग और स्पोर्ट। शी सेव्ड अ फ्रेंड फ्रॉम अ पाइथॉन्स डेडली ग्रिप, तो उन्होंने एक दोस्त को अजगर की घातक पकड़ से बचाया था। उसके बाद बी देखते हैं, सी गोविंदन वॉज बॉर्न ऑन 15 अप्रैल 1966 इन तमिलनाडु एंड स्टडीड एट करू बारापल्ली हाई स्कूल। ठीक है, वो कहाँ पढ़ते थे? करू बारापल्ली हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। ही स्पीक्स तमिल एंड इंग्लिश, वह तमिल और इंग्लिश बोलते थे। टैमी टैमी लैंग्वेज है। ही हैज़ सिक्स ब्रदर्स एंड टू सिस्टर, छः भाई दो बहनें। हिज फादर इज अ लेबरर, लेबर थे इनके पिता। गोविंदन्स हॉबीज आर रीडिंग म्यूजिक गेम्स, है ना, पढ़ना गाने सुनना और गेम खेलना ये पसंद था। ही जम्प्ड ऑन टू अ रोड इन फ्रंट ऑफ अ स्पीडिंग ट्रक टू सेव अ ब्लाइंड ओल्ड बेगर, एक भिखारी जो बूढ़े थे और अंधे थे उनको बचाने के लिए ये कहाँ कूद गए? ट्रक के सामने कूद गए थे। चलो सी है आपका, सोनिया सिन्हा वॉज बॉर्न ऑन 3 नवंबर 1969 इन बिहार एंड स्टडीड एट सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल इन पटना। तो सोनिया 3 नवंबर 1969 बिहार में पैदा हुई थी, जो पढ़ती कहाँ थी? सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में, जो कि पटना में है। सी स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। सी हैज़ अ ब्रदर एंड सिस्टर, एक भाई एक बहन थी। सी हैज़ लॉस्ट हर फादर, वो अपने जो उनके फादर थे वो अब नहीं थे दुनिया में। अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट ड्यूरिंग अ फायर एक्सीडेंट, है ना। हर हॉबीज इंक्लूडिंग रीडिंग एंड शी इज फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स। हर ब्रेवरी सेव्ड द लाइव्स ऑन हर ब्रदर एंड सिस्टर, ये कह रहे हैं एक आग दुर्घटना के दौरान उनसे पिता, अपने पिता एक बाल विशेषज्ञ थे, उनको खो दिया, मतलब उनके पापा की डेथ हो गई थी। उसके शौक में पढ़ना शामिल है और वह खेल की शौकीन है। उसकी बहादुरी ने उसके भाई और बहन की जान बचाई। नेक्स्ट आपका डी, शत्रुघ्न लाल साहू। शत्रुघ्न लाल साहू 16 दिसंबर 1966 एमपी में पैदा हुए थे। वह नेहरू प्राथमिक शाला में पढ़ते हैं, ठीक है। ही दुर्ग जहाँ पर है, ही स्पीक्स छत्तीसगढ़ी एंड हिंदी, वह छत्तीसगढ़िया भाषा बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट, उनके माता पिता की मौत के बाद, ही वॉज अडॉप्टेड बाई जिला साहू सिंह, तो जिला साहू सिंह ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया था। उनकी हॉबी जो है वो है फोक प्रोग्राम्स, गेम्स, रीडिंग, एडवेंचरस स्टोरीज। हिज एम्बिशन इज टू बी एन इंजीनियर, वो चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने। ही वॉज विद ग्रुप ऑफ 8 यूजिंग द रेलवे ट्रैक्स इन द नाइट व्हेन एन इंजन नोड इन टू दैम ही वॉज एबल टू सेव 2 चिल्ड्रेन। तो कह रहे हैं वह रात में 8 लोगों के समूह के साथ रेलवे ट्रैक का उपयोग कर रहे थे, जब एक इंजन उसमें सवार हो गया और वह 2 बच्चों को बचाने में सफल रहे। उसके बाद है फेलिसिटास सोरेंग, नाम भी बड़ा अच्छा है। वॉज बॉर्न ऑन 21 जून 1950 ओडिशा। आफ्टर हर मेट्रिकुलेशन 10वीं के बाद, शी ट्रेंड एज अ नर्स एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन राउरकेला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल राउरकेला में उन्होंने नर्स के लिए ट्रेनिंग ली। शी स्पीक्स उड़िया हिंदी एंड इंग्लिश। शी हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 5 सिस्टर्स। हर फादर इज़ अ फार्मर। हर हॉबीज इंक्लूड म्यूजिक एंड हैंडीक्राफ्ट। शी स्वम टू सेव हर सेल्फ एंड बॉय व्हेन ही बोट दे वर इन कैप्साइज्ड, कह रहे उनके शौक में संगीत और हस्तशिल्प शामिल है। नाव पलटने से वह खुद को और एक लड़के को बचाने के लिए तैर गई थी और बचा लिया था। सतीश कुमार फूल सिंह वॉज बॉर्न इन 1968 यूपी। ही डिड नॉट अटेंड स्कूल बट कंट्रीब्यूटेड टू द फैमिलीज इनकम बाई लुकिंग आफ्टर द कैटल ऑफ अदर्स, कह रहे हैं कि वे स्कूल नहीं जाते थे लेकिन दूसरों के जो कैटल्स होते थे, जानवर, भैंस हो गया, गाय, उसको देखभाल करके परिवार की आय में योगदान देते थे। वह हिंदी बोलते हैं। ही हैज़ 2 ओल्डर ब्रदर एंड अ सिस्टर। हिज फादर इज़ अ लेबरर। हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड ब्रेवरी कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स सेविंग हिज विलेज फ्रॉम डिकॉइट्स, डकैतों से बचाने के लिए उन्होंने योगदान दिया था गांव में। अब फर्स्ट है, सी स्पीक्स उड़िया एंड इज़ अ नर्स, वह उड़िया बोलती हैं, नर्स हैं।
His father is laborer and they live in Tamil Nadu. She speaks Gujarati and loves sports. आगे चलते हैं. She looked after other people's cattle. She studied in convent school in Patna. Lives in Durg, but adopted by community. Risked his own life to save the beggar. Her bravery, strength and skill in swimming helped her save herself. And another day, the villagers and we were using the railway tracks by night. Her father was a farmer. अब यहाँ पर 10 पॉइंट 10 के आंसर लिखने हैं. ठीक है, तो यहाँ पर पहले का नाम, सभी का नाम लिखा हुआ है. ठीक है, तो हर फादर वॉज ए फार्मर. कौन थे? फेलिसिटस सोरेंग थे, विलेजर्स, एंड ही वर यूजिंग द रेलवे ट्रैक्स बाय नाइट. ये कौन थे? शत्रुघ्न लाल साहू थे. इस तरह से सारे आप आंसर यहाँ से देख सकते हो. यहाँ से आपका क्वेश्चन है, मतलब उनके बारे में दिया हुआ है. ठीक है, और उन सभी का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है. आगे चलते हैं. वी फाइंड मेनी कॉमन फीचर्स इन 6 बायोग्राफिकल स्केचेस. हम 6 जीवनी रेखा चित्रों में कई सामान्य विशेषताएं पाते हैं. फर्स्टली, सबसे पहले, ऑल द चिल्ड्रन डिड लिटल एक्ट्स ऑफ. सबसे पहले सभी बच्चों ने अपने दैनिक जीवन में, फिर यहाँ पर फिलिप्स है, क्या है? ब्रेवरी. ब्रेवरी के लिए तो पढ़ा था हमने. ठीक है, ब्रेवरी इन द कोर्स ऑफ देयर डेली लाइफ. सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर पुअर एंड लिव इन स्मॉल विलेज. उसमें से ज़्यादातर जो है गरीब थे और छोटे गाँव में रहते हैं. वन ऑफ देम हैज नॉट गॉन टू ए, कहाँ नहीं गए वो? स्कूल नहीं गए. ठीक है, एंड ओनली 3 ऑफ देम स्पीक. उसमें से 3 लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, मतलब उनमें से 3 लोग इंग्लिश बोलते हैं, बाकी सभी हिंदी या अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं. फिर उसके बाद कह रहे हैं, फाइनली ऑल द चिल्ड्रन वर अलर्ट एंड हैड माइंड. ऑफ माइंड मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड सभी के पास है. दे एक्टेड स्विफ्टली एंड यूजफुलनेस अनसेल्फिशनेस, मतलब बिना लालच के वो एक्ट करते हैं. ठीक है, निस्वार्थ भाव से वो तेजी से लोगों को बचाने के लिए, किसी तरह की हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं. वी आर प्राउड ऑफ ब्रेव यंग वर्ल्ड. ऐसे जो यंग दुनिया के, मतलब यंग जो बच्चे हैं इस दुनिया में, उन पे हम प्राउड करते हैं. तो ये चैप्टर भी थोड़ा छोटा ही था. ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में.